स्वामी हसीनमानंद के वकील के फोन का हम इंतजार कर रहे हैं। तब तक चुनाव की खबरों में, मोदी आज लेफ्ट पर गरम दिखे और ममता पर नरम। कोलकाता की रैली में लेफ्ट पर तो खूब बरसे मोदी, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार पर हमला नहीं बोला। थर्ड फ्रंट ने देश को थर्ड ग्रेड बना दिया, कहा मोदी ने। ये थर्ड फ्रंट का इरादा हिंदुस्तान को थर्ड रेट बनाने का है। ये थर्ड रेट बनाने का सपना देखने वाले लोगों को हमेशा 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 के लिए विदाई करने की आवश्यकता है। लेकिन आज ही नए थर्ड फ्रंट की शुरुआत भी हो गई एक तरह से। बिना बीजेपी और कांग्रेस के तीसरे मोर्चे के गठन के लिए 11 पार्टियों ने आज बैठक की, लेकिन मायावती ने इसे कमजोर मोर्चा बताया। जनार्दन के बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया। जनार्दन द्विवेदी के आर्थिक आधार पर आरक्षण देने वाले बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया। सोनिया ने बाकायदा बयान जारी किया कि मौजूदा नीति ही लागू रहनी चाहिए और 2009 के घोषणा पत्र में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की जो बात थी उस पर पहले से चर्चा जारी है। सिब्बल के बयान पर हंगामा हो गया राज्यसभा में। राज्यसभा में सांप्रदायिक हिंसा बिल पर चर्चा के दौरान कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कह दिया कि 2002 का गुजरात दंगा राज्य सरकार की ओर से प्रायोजित था। सांप्रदायिक हिंसा बिल तो टला ही, इस बयान पर बीजेपी और AIADMK ने हंगामा कर दिया। राहुल का ISI वाला दावा खारिज हो गया। राहुल गांधी के ISI वाले बयान को सरकार ने ही खारिज कर दिया। राज्यसभा में लिखित प्रश्न के जवाब में गृह राज्य मंत्री RPN सिंह ने कहा कि खुफिया एजेंसियों को इस बात का इनपुट अभी तक नहीं मिला है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों के संपर्क में थी। केजरीवाल को बिजली पर झटका लगा। PTI के मुताबिक दिल्ली में अनिल अंबानी की कंपनी BSES का लाइसेंस रद्द करने की अटकलों पर अपील ट्रिब्यूनल ने नोटिस देकर DERC को कहा है कि बिना उसकी इजाजत के BSES पर कोई कार्रवाई न करें। भैंस विवाद पर आजम खान बोले तो क्या बोले देखिए। मेरी भैंस को वो शोहरतें हासिल हैं जो गालिबन मलका विक्टोरिया को भी कभी नहीं मिली होंगी।